मैं हूँ आपके साथ अनवी सूद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जॉन अब्राहम की मल्टी स्टारर फिल्म पागलपंती आज थिएटर्स पर रिलीज हो गई है। इस कॉमेडी फिल्म में ढेर सारी मस्ती और पागलपन दिखाया गया है। हालांकि लोगों को फिल्म खास पसंद नहीं आ रही। फिल्म पागलपंती को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में बुरा ही बोल रहे हैं। फैंस का कहना है कि कॉमेडी तो ठीक है, लेकिन इस फिल्म की कहानी बेकार है। ट्विटर पर फिल्म को लेकर दर्शकों ने जमकर मिक्स रिएक्शन दिए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे ही ट्वीट। गॉड ब्लेस दोज हु आर गोइंग टू वॉच पागलपंती, माय सिंपथीज। ऑलवेज न्यू देयर आर बैड, वर्स्ट एंड एपिक ट्रैश फिल्म्स, बट दिस वन इज अनदर कैटेगरी ऑल टुगेदर। आई हैव लेफ्ट द थिएटर नाउ एंड दिस इज जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स। जीरो टॉलरेंस फॉर टॉर्चर। एज पर रिव्यूज, हैशटैग पागलपंती इज अ वर्स्ट मूवी ऑफ जॉन अब्राहम करियर। भूषण कुमार बेग्ड कमाल आर खान नॉट टू गिव रिव्यू ऑफ पागलपंती। इफ एनी प्रोड्यूसर कैन बेग टू बिगेस्ट डैश के आर के, यू कैन इमेजिन हाउ बैड द मूवी इज। अ वेरी एंटरटेनिंग मूवी पागलपंती, इंजॉयड अ लॉट, कॉन्टिन्यूस लाफ्टर ड्यू टू सो मैनी वंडरफुल पंचेज ऑफ डायलॉग्स एंड जोक्स। पागलपंती के सभी एक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और आपका इस टाइप का रिव्यू, तेरा क्या होगा नीज भाई। तो देखा आपने, लोगों ने फिल्म को बेहद ही बेकार बताया है। जहां एक तरफ दर्शकों ने फिल्म को नकार दिया है, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स को भी ये फिल्म पसंद नहीं आई है। बता दें कि इस फिल्म में जॉन के साथ अनिल कपूर, अरशद वारसी, पुलकित सम्राट और सौरभ शुक्ला ने काम किया है। वहीं फिल्म की लीडिंग लेडीज की बात करें तो कृति खरबंदा, उर्वशी रौतेला और इलियाना डी क्रूज ग्लैमरस अवतार में नजर आई है। फिल्म का डायरेक्शन अनीस बज्मी ने किया है, जो कि इस फिल्म से पहले कई शानदार कॉमेडी फिल्म्स दे चुके हैं। हालांकि वो इस फिल्म के जरिए दर्शकों को एंटरटेन करने में नाकामयाब रहे हैं। फिल्म्स को मिले इतने खराब रिव्यूज के बाद एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर टिक पाना मुश्किल ही लग रहा है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर पाएगी या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। Thank you.